रिसेंटली एक आदमी मुझसे हरियाणा से फ्लाई करके बैंगलोर मिलने आया, जस्ट टू नो कि उसको एक हार्वेस्टिंग मशीन है जो चाइना मैन्युफैक्चर करता है, उसको किस तरीके से इंपोर्ट करना है। ये एक बहुत ही इनोवेटिव मशीन है जो कि गेहूं को बहुत अच्छी तरीके से काटती है, छाटती है, पराली का प्रॉपर उसका गट्ठा बनाती है और भी कई तरह के इनोवेटिव काम करती है जो कि लेबर कॉस्ट को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। ये मशीन ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव मशीन हैं जो कि सिर्फ चाइना ही मैन्युफैक्चर करता है। आप कभी भी अमेजोन के मूवर्स या शेकर्स पेज को उठा के देख लो, वहाँ पे जितने आपको अतरंगी प्रोडक्ट देखेंगे उसमें से ज़्यादातर आपको मेड इन चाइना ही दिखाई देंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया चाइना से सिर्फ ये गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करता है? एज पर द लेटेस्ट GTRI रिपोर्ट, इंडिया इज ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना फॉर इंपोर्टिंग वेरी वेरी क्रूशियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि हम चाइना से इतना इंपोर्ट करते हैं क्यों, चाइना किस तरीके से वर्ल्ड फैक्ट्री बना, एंड एज एन इमर्जिंग इकोनॉमी एंड टू रीच आवर $1 trillion एक्सपोर्ट टारगेट, हम वो कौन सी चीजें हैं जो चाइना से सीख सकते हैं? इन रीसेंट टाइम्स India has been struggling to cut its dependence on China. Despite tensions at the border, India is importing Chinese goods in increasing number. China has overtaken the US as India's largest and biggest trading partner. Think about the last toy you bought. Did you see where that toy was made? Chances are it was made in China. मैंने 5 साल पोर्ट पे काम किया और मुझे भी यही लगता था कि हम लोग चाइना से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स से इंपोर्ट करते हैं, बट चाइना इज द सप्लायर ऑफ ऑल मेजर 8 इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में $667.2 billion का इंपोर्ट किया था, जिसमें से $101.8 billion का इंपोर्ट हमने सिर्फ चाइना से ही किया था, जो कि हमारे टोटल इंपोर्ट का 15% है। हमारा मेन कंसर्न ये है कि आउट ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स दैट वी डू फ्रॉम चाइना, 98.5% आर द मेजर इंडस्ट्रियल गुड्स। अगर हम सेक्टर वाइज डाटा देखें तो इंडिया इंपोर्ट्स 38.4% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम चाइना, 39.6% ऑफ मशीनरी फ्रॉम चाइना एंड अ स्टैगरिंग 42% ऑफ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग फ्रॉम चाइना। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम इंपोर्ट करके फर्दर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं। जब आप शंघाई की स्काईलाइन को देखते हैं तब आपको समझ आता है आखिर कैसे एक ऐसा देश जहां लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, एक ऐसा देश जिसने इंसानियत का सबसे खतरनाक भुखमरी का सामना किया, जिसने एक पूरी सेंचुरी तक ह्यूमिलेशन झेला, एक के बाद एक ब्रिटिश, अमेरिकन्स, रशियंस एंड जापान ने जिस देश को लूटा, वो सिर्फ 40 साल के अंदर दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया विद अ मैसिव $17 trillion इकोनॉमी। Big anniversary in China today, Sumi. Today marks 40 years since the country's economy opened up to the rest of the world, a move that ultimately turned China into a global economic powerhouse, second in GDP only to the United States. In the last 20 years, China climbed the world's economic ranks. It managed the fastest sustained growth of any major economy ever recorded. Now, its size remains second only to that of the United States. Back in 1949, जहां इंडिया आजादी के बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ चाइना माओ ज़ेडुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट रिजीम को अपना रहा था। But fast forward to 2023, China became the world factory with a staggering export of $3.38 trillion. Mao Zedong के massive economic failure के बाद जब Deng Xiaoping ने charge लिया तो उन्होंने China के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए under the open door policy. इस policy के 3 major parts थे: special economic zone, world class infrastructure and cheap labor. ये पॉलिसी एक मैजिकल कॉम्बिनेशन था ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड थर्ड वर्ल्ड लेबर। इस पॉलिसी के अंदर चाइना ने एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी SEZ। SEZ को आप कंट्री के अंदर का एक ऐसा जोन कह सकते हैं जहां कंट्री के खुद के रूल्स ही नहीं चलते। ये एक ऐसा इकोनॉमिक जोन होता है जहां पे अगर कोई कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करती है तो उसको लैंड मार्केट से 1/10 रेट पे मिल जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी और ज्यादातर केसेस में 3-4 साल तक कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। यही सेम कॉन्सेप्ट रिसेंटली इंडिया ने भी बहुत सारे रीजन में एग्रेसिवली अप्लाई करना शुरू कर दिया है। The government is likely to propose a new law to replace the current law governing special economic zones. The act will enable the states to become partners in development of enterprise and service hubs. The new legislation will cover all large and existing and new industrial enclaves. SEZ एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था जिसने चाइना की इकोनॉमिक दशा को पूरी तरह चेंज कर दिया। इस पॉलिसी के अंडर बाय द ईयर 1990 चाइना दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टेड कंट्री बन गया। पूरी दुनिया का मोर देन 27% इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक कंट्री चाइना को ही मिल रहा था। आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस था इंडिया और चाइना की पर कैपिटा FDI में ड्यूरिंग द ईयर 1998। FDI, चीप लेबर एंड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा चाइना की टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। साल था 1956।
यूएसए में बैठा एक बिजनेसमैन मैल्कम मैक्लेन ने दुनिया का पहला शिपिंग कंटेनर बना लिया था, जिसके चलते अब वर्ल्ड ट्रेड करना बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता हो चुका था। ये वही समय था जब यूएसए वर्ल्ड वार टू से निकल के कोल्ड वार में एंटर कर चुका था और चाहता था कि एशियन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री उसकी ही तरफ रहे। फिर क्या था, यूएसए ने 1990 से 2010 तक चाइना का बहुत सपोर्ट किया। कम्युनिस्ट रिजिम, इकोनॉमिक पॉलिसी, टाइमिंग एंड यूएसए ने मिलकर चाइना को एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया जो आज दुनिया का 28% गुड्स मैन्युफैक्चर करता है। आज यूएसए खुद भी इतना ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट है चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग पे कि वो भी एक के बाद एक टैरिफ लगा रहा है ताकि किसी तरह से चाइना से होने वाले इंपोर्ट को कम किया जा सके। Determined that the future of electric vehicles will be made in America by union workers. Period. And so to help US manufacturers, Biden is making imports more expensive with a new 100% tariff on Chinese-made EVs. अब आप बोलोगे कि आपने चाइना के बारे में तो बहुत बता दिया, बट हम लोग क्या कर रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए? हर साल सुनते हैं कि इंडिया ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है एक्सपोर्ट्स में। ओके, लेट्स लुक एट द डाटा कि इंडिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है। जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा है कि इंडिया का एक्सपोर्ट लास्ट कुछ सालों में 468 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 776 बिलियन डॉलर को छू चुका है इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24। बट यहाँ पे एक कैच है, ये जो 776 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है इसमें से 340 बिलियन डॉलर का सिर्फ सर्विस एक्सपोर्ट है जो कि 43% होता है ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स। चाइना ने लास्ट ईयर 3.38 ट्रिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, वो भी सारा का सारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। ये सर्विस सेक्टर और सर्विस एक्सपोर्ट्स के साथ पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये जो सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं इनको करने के लिए स्किल्स बहुत ज्यादा चाहिए होती है और हमारे जैसे लोगों के लिए ये कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक्सपोर्ट को इंक्रीज नहीं करता बट पॉवर्टी को भी खत्म करने में इसका बहुत योगदान होता है। मैन्युफैक्चरिंग से मिडिल क्लास लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है जिससे वो ज़्यादा कमा पाते हैं, जिसके चलते उनके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो पाती है और जिसके चलते बच्चे बड़े होकर ज़्यादा स्किलफुल काम करते हैं एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। यही स्ट्रेटजी चाइना ने भी अपने टाइम पे अपनाई थी। गवर्नमेंट को भी ये बहुत अच्छे से पता है कि मैन्युफैक्चरिंग कितना इंपॉर्टेंट है फॉर अ कंट्री एंड टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स, इसीलिए गवर्नमेंट ने भी पिछले कुछ सालों में बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग। मेक इन इंडिया, पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान एंड द रेवोल्यूशनरी पीएलआई स्कीम, इन्हीं इंसेंटिव्स के चलते मैन्युफैक्चरिंग जायंट लाइक एप्पल एंड सैमसंग ने अपने स्मार्टफोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है और बहुत ही जल्दी टेस्ला भी अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने वाला है इंडिया में। With all the schemes, government support and growing global influence, will India be able to become the next manufacturing? ये तो time ही बताएगा। एक जो सबसे बड़ा difference है between China and India, China में factory में काम करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा respect मिलती है, वहीं दूसरी तरफ India में जो लोग factories में काम करते हैं उनको इतना ज़्यादा respect की नज़रों से नहीं देखा जाता है और इस काम को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा unsophisticated माना जाता है। आपने भी बहुत लोगों के मुझे सुना होगा कि इंडिया में लोग सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग करते हैं, बट इंजीनियरिंग करने के बाद भी इनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो एक्चुअली फैक्ट्री में एज एन इंजीनियर जॉब कर रहे होते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद भी कोई मार्केटिंग की जॉब कर रहा है, कोई सेल्स की जॉब कर रहा है, लोगों को सब कुछ कर रहे हैं एक्सेप्ट जो एक इंजीनियर को करना चाहिए व्हिच इज इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग, बन में गया तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा पर। Now to conclude everything, India is doing everything to replace or at least to become China plus one. Make in India, ease of doing business, national logistics policy and PLI scheme. Everything is focused towards making India the next world factory. But India needs to focus on R&D infrastructure and skill development of the workforce so that hum log ek zyada sophisticated products ko manufacture kar paaye. Kyunki cheap goods manufacturing mein China ka compete kar paana bahut mushkil hai kyunki wo humse dashakon aage hain. आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग क्या मैन्युफैक्चर या एक्सपोर्ट करते हैं।